हमने जैसा कि पहले पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं एक सीरीज में, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम इन चैप्टर्स को क्या पढ़ेंगे, अलग अलग देखेंगे और अलग अलग डीपली पढ़ेंगे। तो आज चैप्टर नंबर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्लानिंग। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इट कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन व्हेन इट इज टू बी डन what is to be how it is to be done and by whom it is to be done। तो प्लानिंग क्या बोलता है कि हमें पहले से ही सोचना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। मतलब हम प्लानिंग फंक्शन में क्या करते हैं, अपने गोल को डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव कि हमारा टारगेट क्या है। हमें अपने ऑब्जेक्टिव को किसमें डिसाइड करते हैं, अपने प्लानिंग प्रोसेस में। इसलिए क्या है, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। विदाउट दिस फंक्शन हम अदर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, हम तो किसके लिए वर्क करेंगे, किसके लिए अदर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लानिंग क्या बोलता है कि पहले से ही सोचना हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इसे एग्जीक्यूट करेगा या एक्चुअली में इसे करेगा। अब हम जरा इसको अपनी बुक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा इसमें हमें डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं और वो हमारे पेपर्स में आती हैं। हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, आपकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं और हमें बताते हैं कि ये डेफिनेशन आपको किसने दी, कौन से ऑथर ने आपको प्रोवाइड करी। अगर हम बात करें प्लानिंग की, प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या एक प्राइमरी फंक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके बिना हम अदर फंक्शंस को कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी बाय विच मैनेजर्स एनालाइज प्रेजेंट कंडीशन टू डिटरमाइन वेज बाय रीचिंग अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। क्या होता है, प्लानिंग के थ्रू जो हमारा मैनेजर है क्या करता है, हमारी जो कंडीशन चल रही होती है, एनवायरमेंट चल रहा होता है, उसके से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को एनालाइज करता है, जिससे क्या कर सके हम अपने टारगेट को, अपने आउटकम को गेन कर सके ऑन टाइम विदाउट फेसिंग एनी हर्डल या प्रॉब्लम्स। प्लानिंग इज बोथ एन ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी एंड अ मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या होती है, प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि अगर उनको प्लानिंग, अगर हम एक कोई भी टारगेट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो किसके लिए वर्क करेंगे, तो किसके लिए वर्क करेंगे, उनके उनके अंदर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही नहीं, वो किसी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ही नहीं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा प्लानिंग है वो क्या है, दोनों के लिए नेसेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम डाल्टन एमसी फार्लैंड की बात करें, उनका कहना था अपने गोल को क्या करना, डिटरमाइन करना एंड टू प्रिपेयर फॉर अडॉप्टिव एंड इनोवेटिव चेंज। और फिर उनको क्या करना, जो चेंजेस हमारे एनवायरमेंट में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज करना। अगर हम बात करें और ऑथर्स की,
हॉरल कून्स एंड क्रिल्ड ओडोनल ने बोला, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, द कॉन्शियस डिटरमिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन बेसिंग ऑन विच पर्पस फैक्ट्स एंड कंसोलिडेट एस्टिमेट्स। उनका कहना था कि जो हमारा प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब एक मेंटल एक्सरसाइज है कि हमें उसमें अपने इंटेलिजेंस शो करनी पड़ती है, डीपली एनालिसिस करता है, स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे अंदर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या करा कि प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन के बेसिस में प्रॉपर एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करके अपने गोल को अचीव करते हैं। अब नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस। मतलब कि प्लानिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो उसका कोई भी फाउंडेशन, उसका एक फ्यूचर कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या प्लानिंग क्या एक बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं होगा तो वो अपने गोल को कभी भी टाइमली अचीव नहीं कर पाएगा, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तो कभी भी नहीं अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज डेल्टन एमसी फॉनलैंड, उनका कहना था कि जो मैनेजर है प्रेजेंट सिचुएशंस को क्या करता है, एनालाइज करता है, प्रॉपर स्कैनिंग करता है एनवायरनमेंट की, किसके लिए, टू रीचिंग अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेज, अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो उसका डिजायर्ड आउटकम है उसको अचीव करने के लिए, जिसके लिए स्किल्स ऑफ एंटिसिपेशन मतलब अनुमान लगाना, उसके लिए क्या जरूरत है, एक कला होना जरूरी है जिसमें हम फॉरकास्टिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो हमें क्या आउटकम्स, क्या रिजल्ट देखने को, इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, एंड अ डायरेक्शन ऑफ चेंज कि अगर सिचुएशन हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो हमें अपने प्लान्स को क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। पर अगर हम इन कॉमन सेंस बात करें तो प्लानिंग क्या एक फंक्शन डिटरमाइन करता है कि हमें एडवांस में कि हमें क्या करना है, इट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, उनकी ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, पॉलिसीज को डिसाइड करना, प्रोग्राम्स प्रोसीजर्स की कैसे कैसे वो अपने गोल को अचीव करेंगे और अदर तरीके अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, किसकी, प्लानिंग की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बुलेट पॉइंट्स को आपको क्या करनी है, याद करने हैं टू द पॉइंट, क्योंकि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपके बुलेट पॉइंट्स को टू द पॉइंट ही मांगता है। आप वो कैसे याद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं और भी लेक्चर्स बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने बुलेट पॉइंट को याद कर सकते हो, ये एक ट्रिक है। सबसे पहला क्या है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या बोला गया कि जो हमारा प्लानिंग फंक्शन है वो क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है जो हर एक मैनेजर क्या करता है, परफॉर्म करता है, क्योंकि और अदर फंक्शंस को हम इसके अलावा परफॉर्म नहीं कर सकते। विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन हम अदर फंक्शंस को परफॉर्म करने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिकॉज क्या लिखा है यहाँ पे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप इन प्लानिंग, क्योंकि हम अपने गोल्स अपने टारगेट को किसमें डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में, अदर फंक्शन, और अदर फंक्शन किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में अपने रिसोर्सेज को हम तभी तो लाएंगे जब हमारा कोई टारगेट होगा कि हमें किस बेसिस पे रिसोर्सेज को लेके आए। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग का मेन एम क्या होता है, अपने गोल को अचीव करना, जो उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये टारगेट को अचीव करना है, और डिजाइन एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान्स इन ऑर्डर टू अचीव, और उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना, छोटे छोटे मेथड्स बनाना, जिससे कि वो अपने गोल को ऑन टाइम पे अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्या बोला था हमने अभी पढ़ा था कि प्लानिंग क्या एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। अभी हमने एक ऑथर थे ओडोनेल करके, जिनकी डेफिनेशन में बोला गया कि वो प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं, इसमें हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे
टेलर है उन्होंने भी कहा था कि जो फंक्शनल फॉर्मेंसी वाला जो उनकी टेक्निक थी उन्होंने उसमें कहा कि हमें अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भी क्या रखना है, अलग अलग रखना है, जिससे कि हम हर एक बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट हो और अपने काम को अच्छे तरीके से कर। तो इसलिए प्लानिंग को बोला गया कि वो क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हाई इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट, हाई थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है और वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाता। उसके लिए एक इंटेलिजेंट पर्सन जिसका माइंड हर चीज को फोरकास्ट करता है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे वो कहीं पे भी, चाहे वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, प्लानिंग क्या है, हर जगह जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम अपने काम को अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि अगर कहीं पे प्लानिंग ना हो तो हम किसके लिए वर्क करेंगे, किस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करेंगे। दैट मींस कि प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। प्लानिंग को हमें क्या करना है, कंटीन्यूअस बेसिस पे परफॉर्म करना है, चाहे हमारा टारगेट अचीव हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है, हमारा टारगेट हमें अचीव हो जाता है तो हम नेक्स्ट बेंचमार्क सेट करते हैं और फिर उसके लिए दोबारा हर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दैट मींस कि प्लानिंग क्या है, हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो फॉरसीएबल पीरियड चलेगा और उसके लिए प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइसेस बिटवीन अल्टरनेटिव्स। ये पॉइंट बोलता है कि जो हमारा टारगेट है, अब हर एक टारगेट को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं और हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज देखते हैं, इफेक्ट्स देखते हैं और जो उनमें से बेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसलिए क्या है, प्लानिंग में हमारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं क्योंकि हमें एक टारगेट को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके और जो उनमें से बेस्ट होगा, जो बेस्ट मेथड होगा हम उसको क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, उसकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट हो। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज कंसर्न विद द अकॉम्प्लिश्ड ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो होता है वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि हम इंडिविजुअल गोल पे फोकस ना करें, हम ग्रुप गोल में फोकस करें, क्योंकि अगर ग्रुप गोल हमारा अचीव हो गया दैट मींस हमारा इंडिविजुअल गोल तो ऑटोमेटिकली हमें अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के काम को में काम ग्रुप ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और वो ग्रुप ऑफ पर्सन किसके लिए वर्क करते हैं, एक टीम बना के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट डालते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू अपने पर्सनल गोल को, क्योंकि हमें ये मानना है कि एक इंडिविजुअल गोल तभी फुलफिल हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। मतलब कि जो हमने प्लान्स बनाए गए, जो हमने स्ट्रेटजी बनाए, जो हम मेथड्स बनाए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर दी सर्कमस्टांसेस नीडेड। कि हमारे एनवायरमेंट में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके बेसिस पे हम अपने प्लान्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर कोई हमने किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्लान बनाए हैं और हमारी सिचुएशन क्या हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई और वो प्लान उसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो हम अपने प्लान्स में मॉडिफिकेशन करेंगे टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल।